guys, myself Mohammed Imran from Educatives, and in this video I am going to share incredible tips for Android user as better experience. Aaj ki jo mere paas video hai wo bahut hi kamal aur incredible hai, aur ye jo tips hai main aapko batane ja raha hu ye Android user ke liye aur bhi better experience show karenge, theek hai? Aur aapko sari cheezein chhod ke sabse pehle ये सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए और इस एक्सपीरियंस को फील करना चाहिए, और फिर इसके बाद आपने ये फील भी करना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, ठीक है गाइस? और सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आप अपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। जैसे कि अगर आपको मेरी अपडेट से बिल्कुल अपडेटेड रहना है तो इसके लिए लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपनी टिप्स की तरफ और देखते हैं कि एंड्रॉयड को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टिप है और सेटिंग, सबसे पहले जो हमें चेंज करनी चाहिए वो चेंज करनी चाहिए मूव क्रोम एड्रेस बार टू द बॉटम। जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं, जो क्रोम एड्रेस बार है वो टॉप पे शोर होता है, और मेरा चेक कीजिएगा, ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, ओह माय गॉड रियली, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो क्रोम है उसका एड्रेस बार बॉटम पे है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ होम, ये देखिए यहाँ पे आ गया, स्पोज करें मैं कोई भी लिख देता हूँ एजुकेटिव्स, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये देखें टॉप पे। फिर अगर आपने कोई और टैब ओपन कर लिया, ये वन टैब है, मैं चाहता हूँ कि एक न्यू टैब ओपन कर लूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही आपने एजुकेटिव्स लिखा तो आप देख सकते हैं कि दूसरी भी जो हमारी टैब है वो भी ओपन हो गई है। अब आप इस तरह कर सकते हैं, सिर्फ आप स्वैपिंग कर सकते हैं और आपका क्या होगा कि आपकी विंडो चेंज हो जाएगी। चेक कीजिएगा इसका एक्सपीरियंस, ठीक है, ये देखें अब नीचे से जो बॉटम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्लोज ऑल टैब है, फिर आपकी जो टोटल के टोटल जो मेन्यू है वो डाउन की तरफ आ गया है, अप टू डाउन, ठीक है। आपने ये चीज़ चेक की होगी कि इसको बहुत ईजी होगा, आप सपोज करें ये होम है, होम पे आ गया, और यहाँ पे इसको अगर किस तरह इनेबल किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि आपने जाना है यहाँ पर वेब एड्रेस बार पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है क्रोम कॉलन स्लैशेस एंड फ्लैग्स। जब आपने ये लिख लिया क्रोम एंड फ्लैग्स, फिर आपने कर देना है एंटर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक नई चीज़ आ जाएगी जो आपने कभी भी फेल नहीं की होगी। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे तो आप एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं कि डेवलपर्स ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। यहाँ पे आप अपने रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स और भी देख सकते हैं, हमारा क्या है, हमने क्या करना है, टॉप से बॉटम की तरफ मेन्यू कैसे लेके आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सर्च करना है, आपको इस तरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ क्रोम एंड क्रोम के बाद आपने क्या करना है होम, और जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखें ये आ गया क्रोम होम। तो क्रोम होम की जगह हम सिर्फ होम कर देते हैं, आप एंटर कर दें, सिर्फ होम लिख के आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आपने होम लिख के एंटर किया तो आपने क्या करना है, आपने इसको इनेबल कर देना है यहाँ पर, ये है इनेबल डाउन होम वीडू। तो आपने क्या करना है, ये डिसेबल है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने आपका डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, तो ये एक ही मरतबा सेटिंग जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा वापस नहीं होगा, तो आपने डिफ़ॉल्ट की जगह क्या कर देना है इनेबल। तो फिर वो क्या है, वो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, योर चेंजेस विल टेक अफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू रिलॉन्च गूगल क्रोम, ठीक है। आपने रिलॉन्च नाउ पे क्लिक कर देना है, जैसे ही आपने रिलॉन्च नाउ पे क्लिक किया तो आपकी विंडो जो है वो, और ये देखेंगे आप यहाँ पे अपना बॉटम मेन्यू देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक बहुत मज़े का लगा होगा। चले अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, और वैसे भी आपको पता है कि एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, सिर्फ हमें क्या है उसको सर्च करना है और उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है जिसकी सेटिंग्स आपको चेंज करनी चाहिए वो है इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय स्पीडिंग अप एनिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारा मेरा एंड्रॉयड है, सपोज करें मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, इसकी स्पीड चेक करें क्योंकि ये टोटली बैक हैंड पे एनिमेशन चल रही है, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, चले आए हम देखते हैं कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, सबसे पहले आप आ जाएँ सेटिंग्स पे। जैसे ही आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे बिल्ड नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्ड नंबर भी आ गया, ठीक है, ये डायरेक्टली है, तो यहाँ पे ये बिल्ड नंबर आ जाएगा।
ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट इधर से बिल नंबर पे नहीं जाना चाहते, ऐसे नहीं जाना चाहते, तो आपने क्या करना है, बैक जाना है। आप आ जाएं अपने सिस्टम की प्रेफरेंसेस में, फिर उसके बाद आपने आ जाना है अबाउट फोन में। जैसे ही आप अबाउट फोन में आएंगे तो ये बिल्ड इन नंबर है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 3 times आपने इसको प्रेस करते रहना है। जैसे ये देखिए, यू आर नाउ 3 steps अवे फ्रॉम पीएम। आपने फिर स्टेप करना है P2 और ये अनलॉक आपसे मांगेगा। तो मैं अपना अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने अनलॉक किया तो हमारा क्या हो गया, यू आर नाउ आर डेवलपर। ओके, अब मैं क्लिक करूँगा, वो कह रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी आर डेवलपर। ओके, अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल नहीं होगा। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एडवांस, ये देखिए यहाँ पे हमारा डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे आ जाएं एनिमेशन और इसको कंट्रोल करें, इसकी स्पीड जो मोबाइल की है वो कंट्रोल करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। और आप चेक कीजिएगा, इसकी स्पीड बहुत ही बेहतर हो जाएगी पहले से। ये देखें यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल, तो आप जैसे 1x वो वर्क करना है, आप एनिमेशन स्केल 5x भी कर दें, 0.5x, ट्रांजिशन को भी 0.5x और एनिमेटर को भी 0.5x। अब आपने इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो गई है। ओके, चेक कीजिएगा, चेक कर सकते हैं आप। और इसकी आप देखें यूट्यूब का भी चेक करें, और ये देखिएगा अभी दोबारा चेक कीजिएगा, मैं आपको एक क्लिक करता हूँ, वन क्लिक एंड देन सो ऑन, क्लिक एंड सो ऑन। तो इस फीचर को यूज़ करके आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की परफॉर्मेंस और बेहतर बना सकते हैं। ओके गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स किस तरह कर सकते हैं ताकि आपके नंबर जो है वो पहले शो हो। सपोज करें मैं मैसेजेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया, इसको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैसेज कर सकता हूँ। अब देखें, हम मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा रोल नंबर रो है वो टॉप पे शो होनी चाहिए। देखें अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैंने इसको करने के लिए क्या करना है, मैंने ये सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, ये देखें यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ये प्रेफरेंसेस है, और यहाँ पे देखिए ये टॉप के ऊपर है नंबर रो। तो आप जैसे ही नंबर रो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने नंबर रो पे क्लिक किया तो ये वाला आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो, ठीक है, ये आ गया। अब ये चेक कीजिए, ये देखिए टॉप के ऊपर आपका रो नंबर टॉप पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये इतना ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइप करने में आसानी होती है आपको सेटिंग्स में, जब बार बार जाने की, वरना यहाँ पे जाना पड़ता था और सेटिंग में फिर नंबर टाइप करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, ये आपका ऊपर हो गया ताकि आपको चैटिंग में ईजी फील हो। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वाली सेटिंग्स भी आप लाजमी करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम क्या चैटिंग एंड्रॉयड मोबाइल पर चैटिंग करने का बहुत मज़ा आता है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, अब हम सीखने जा रहे हैं गूगल प्ले प्रोटेक्ट क्या है, ठीक है। तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट ये है कि आपकी एप्लीकेशंस को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सपोज करें यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करें, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी आप जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो क्या कर रहा होता है कि आपको शो कर रहा होता है कि इट्स गूगल प्ले प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए देखो प्ले प्रोटेक्ट है, यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ये देखें लुक्स गुड, इसका मतलब कोई भी हार्मफुल जो ऐप है वो उनको नहीं मिली, उसने डिटेक्ट की है। और अगर आपने थर्ड पार्टीज जो है उनको इंस्टॉल किया हुआ है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी चेक कर सकते हैं कि वो हार्मफुल तो नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। आप सेटिंग्स में जाकर ये देखें इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, मतलब आपने कोई ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की है जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल, आपने किसी और जगह से डायरेक्ट गूगल से ही इंस्टॉल किया है, तो आप उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, वो भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है, ठीक है। तो इस फीचर को भी आपको लाजमी पता होना चाहिए कि गूगल ऐप जो है वो गूगल प्ले प्रोटेक्ट का क्या बेनिफिट है। ओके गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि हम अपनी सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आप हाइड कर सकते हैं हाइड सेंसिटिव कंटेंट ऑन द लॉक स्क्रीन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, तो मतलब नोटिफिकेशन तो शो हो लेकिन उसमें जो डाटा है वो शो ना हो। तो उसको हाइड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले आना है सेटिंग्स में। जैसे ही हम सेटिंग्स पे है तो आपने सबसे पहले नोटिफिकेशंस को चेक करना है, यहाँ पे ऐप से नोटिफिकेशंस है, यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे नीचे आ जाएं नोटिफिकेशंस पर। जैसे ही आप नोटिफिकेशंस पे आएंगे तो टॉप ऑन द टॉप देख सकते हैं
ऑल बॉक्स के लिए यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी जो फीचर है कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो उस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं हाइट सेंसिटिव एंड कंटेंट पे मिडिल वन तो यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही वो हो गया। अब जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ तो चेक कीजिएगा मेरी जो एप्लीकेशन हैं वो तो शो होंगी लेकिन उनके नोटिफिकेशन में जो कंटेंट है वो शो नहीं होगा। ओके गाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट सेटिंग्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि बहुत से एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये विंडो स्क्रीन का ऑप्शन भी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। ओके, वो क्या ऑप्शन है? वो ये है कि सपोज़ करें आप विंडोज़ में जब कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बार बार वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर लेते हैं, आप उस एप्लीकेशन को पिन कर लेते हैं। पिन में क्या होता है कि आप बिल्कुल वन क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो इसी तरह एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, गुड न्यूज़ है, दे कैन ऑल्सो पिन द स्क्रीन। ओह माय गॉड, रियली इट कैन? ओके यस इट कैन, बिकॉज ये बहुत ही आसान है। और उसमें क्या है कि आपने कहीं जाना है और आपकी एक गेम चल रही है या कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी एप्लीकेशन ऐसी है जो आप वहाँ पे ख़त्म नहीं करना चाह रहे तो आप पिन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो हम करके देखते हैं ना, फिर मज़ा ज़्यादा आएगा। तो आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाएँ, जैसे ही आपने सेटिंग्स पे गए तो यहाँ पे सेटिंग्स में आ गए तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि स्क्रीन पिन। ये देखें, ये सेकंड ऑप्शन स्क्रीन पिन है तो ये ट्रैक भी चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं आना चाह रहे तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सिक्योरिटी एंड लोकेशंस पे आना है और जैसे आप वहाँ पे आ जाते हैं तो आपका एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आपने एडवांस पे क्लिक किया तेरे स्क्रीनिंग पिन, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने ऑफ है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने ये सारी जो डिटेल है वो पढ़ भी सकते हैं, फिर आपने क्या करना है इसको ऑन कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन ऑन हो लेकिन पैटर्न लगा रहा है तो आप वो भी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसको इनेबल करेंगे तो वो जैसे ही आप अनलॉक पैटर्न पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कम ऑन, फर्स्ट यू हैव टू पोस्ट योर पैटर्न। ओके, तो आपको इसको लाजमी देखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपने पैटर्न पे इनेबल कर दिया तो अब हम चेक करते हैं कर सकते हैं कि स्क्रीन पिनिंग कैसे होगी। अब सपोज करें जैसे कि मैंने ओवरव्यू बटन पे क्लिक किया तो आप चेक कर सकते हैं कि अब स्क्रीन पिन नहीं हुई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है पिन ऑप्शन इज अवेलेबल देयर। अब देखो मैं आपको दोबारा एक वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि आपने इसको जब ऑफ किया तो आपको जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको पिन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको पहले आपने इनेबल करना होता है। सपोज करें मैं चाह रहा हूँ, मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहीं से स्टार्ट हूँ। ठीक है, ये जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लानोस। ओके, यहाँ पे चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये एक शॉर्टकट एप्लीकेशन है, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसके कोई फीचर यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहीं पे रहे। तो मैंने क्या करना है, ओवरव्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, देयर इज़ अ पिन, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पिन पे क्लिक करेंगे वो आपके पास एक ऑप्शन, एक मैसेज इनेबल हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम, यस आई गॉट इट। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्क्रीन पिन हो गई है, मैसेज भी आ गया मुझे। अब मैं जैसे बैक जाता हूँ तो ये प्ले स्टोर के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी। ये देखिए, मैं अगर होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है अनपिन द स्क्रीन टच एंड होल्ड बैक एंड ओवरव्यू बटन्स। ओके, आई डोंट वांट, तो बैक पे ऊपर क्लिक करता हूँ, सिर्फ बैक का ऑप्शन वो यूज़ करेगा लेकिन सिर्फ प्ले स्टोर में। ओके, इसके अलावा मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अगर आपने इसको अनपिन करना है तो वो भी लाजमी आप सीख लीजिएगा। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर टच करें या बैक के ऊपर क्लिक करें, जैसे जो भी करना चाह रहे हैं करें। उससे क्या होगा कि आपके दोनों बैक और ओवरव्यू जो है वो इनेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं ये क्लिक करता हूँ, मेरे इनेबल हो गया। इन दोनों को, बैक और ओवरव्यू को आपने प्रेस करके रखा है, बैक और ओवरव्यू को प्रेस करके रखा है, ये प्रेस करके रखा और देखें। और ये आपने देखा कि उसने स्क्रीन को क्या किया है, लॉक एंड अनलॉक हो गया। और कम ऑन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत मज़े का लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो सेटिंग्स है वो आप लाजमी एक्सपीरियंस करेंगे एंड यू नेवर नो अबाउट। आई थिंक सो दोज हु वॉच माय वीडियो एंड दे विल लव टू सब्सक्राइब इट बिकॉज इट जस्ट फन फॉर एंड्रॉयड यूजर्स एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड वेट फॉर अ न्यू वीडियो।